दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, छुपके पर्दे में की जब कभी बात की, छुपके पर्दे जब कभी बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की रूबरू गुफ्तगू, पढ़े आप फरमाइशें मुझे भी की गई हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हैं वो है सरकार का मिला हुजूर की जलवागरी तशरीफ आवरी। तो अशर भाई एक नाथ के ये चलचे हैं, शायद हुजूर की आमद बयान की है कि सरकार ना आते तो क्या था, हुजूर जलवागर हुए, हुजूर जलवागर हुए तो नूर अला नूर हो गया, क्या कहना चाहे कि अगर नूर सरकार वाला न होता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अगर नूर सरकार वाला न होता, अगर नूर सरकार वाला न होता, जमीनो जमा अरशे जमीन तुझको हासिल ये रफ़त न होती, जमीन तुझको हासिल ये रफ़त न होती, जो तुझ पर मेरा अर्श वाला न होता, सुभान अल्लाह, तुझ पर मेरा अर्श वाला न हो, बुलबुल चहकती ना कलियां महकती, सुभान अल्लाह, न बुलबुल चहकती न कलियां महकती, जो ऐसा नबी आने वाला न होता, जो ऐसा नबी आने मदीना समाता न नजरों में मेरी, मदीना समाता, मदीना समाता अंग एक नया ख्याल पेश किया शायर ने, नया ख्याल पेश किया मक्ते में सैयद महमूद अहमद रजवी, ये कराची के शायर हैं, और उन्होंने नबी का मीलाद लिखा तो मक्ते में नया ख्याल पेश करते हैं, वो शेर काबिल गौर है। मक्ता आमतौर पर मुनीब आप तो माशाल्लाह और खुद शायर हैं, इस नज़ाकत को समझते हैं, मक्ता आमतौर पर दीगर शेरों के मुकाबले में ज़रा सा हल्का होता है, लेकिन यहाँ मक्ता हंसी निकलती है, और मक्ते की खातिर मैंने पूरा कलाम नोट किया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह,
मदीने में गए कमली वाला न होता, मदीने में गए कमली वाला न होता, तो फिर नात पढ़कर सुनाता किसे मैं। सुभान अल्लाह, यह क्या बात। तो फिर नात पढ़कर सुनाता किसे मैं, तो फिर नात पढ़कर सुनाता किसे मैं, जो महमूद वो सुनने वाला न हो। जो सरकार की मीराश से मुतालिक शायर ने लिखे थे, अब एक फरमाइश के चंद अशआर आप सुनिए। कहता है शायर, ये फरमाइश इनाम के शायर है के तन मन वाला जिसने देखा, बड़े दिनों की बात पढ़ रहा हूँ मुझे ना, कि तन मन वाला जिसने चेहरा कमली वाले का, तन मन वाला जिसने देखा चेहरा कमली वाले का, ए मौला एक बार लिखा दे, उन पर देता है सुभान अल्लाह, हर नेमत देता है खुदा परवार के उन पर देता है, खाता है ये आलम सारा, खाता है ये आलम सारा सदका कमली वाले का, खाता है ये आलम सारा, खाता है ये आलम सारा सदका कमली वाले का। होगी तलब, होगी करेंगे वो दूरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, होगी तलब दिली ना पूरी, दूर करेंगे वो दूरी, इंशा अल्लाह हम देखेंगे, इंशा मुझे पढ़ने इस कलाम के पांच शेर, और पांच शेर इसलिए पढ़ने के उसमें पांचवा शेर है, तो तीसरा शेर मैंने पढ़ दिया, पढ़ा हूँ चौथा शेर, चौथा शेर शाहरे वाले बन मेरे लिए लिखा,
कहता है कि कब्र में जब पूछेंगे फरिश्ते कि अपना तारुफ पेश करो, कब्रे में जब पूछेंगे फरिश्ते कि अपना तारुफ पेश करो, तो कह दूंगा कि सुभान अल्लाह कह दूंगा के मैं तो बस मंगता दूंगा के मैं तो हूँ बस मंगता कमली सैयदों के लिए पांचवा शेर। मुझे नहीं पता कि मुबीन के सुराग पे कौन कौन सैयदजादा कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, पर शाह ने चूंकि सैयदों के लिए लिखा है तो जिस सैयद तक आवाज पहुँचती है उस शेर को कबूल कर लिया। पांचवा शेर के लिए शान बढ़ाई अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।